वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आरसी एजुकेशन हब बांसूर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी स्टडी कंटिन्यू इन पीरियडिक ट्रेंड्स एंड इन पीरियडिक ट्रेड्स। लास्ट वी सी टुडे केमिकल रिएक्टिविटी, नेक्स्ट ट्रेड इज लास्ट दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी इन ए पीरियड एंड आल्सो इन ग्रुप। In completely periodic table, we see the reactivity of elements. Now we see the chemical reactivity. कौन कितना reactive है, chemical reactions में कितनी fastly electrons gain करता है, electron lose करता है, उस base के आधार पर क्या करेंगे, chemical property को अपन show करेंगे। chemical property जो है उसमें chemical reactivity क्या है, कितना रिएक्टिव है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, ऑक्सीजन स्टेट कितनी आती है, वो कितना गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स कम दे रहा है, दोनों ट्रेड जो अपने पास में वो इस पर डिपेंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी इन पीरियोडिक टेबल यू कैन ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम रिएक्टिव ग्रुप है, क्या है मैक्सिमम रिएक्टिव। पूरी कंप्लीट पीरियडिक टेबल में मैक्सिमम रिएक्टिव कौन है, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड। अगर दोनों में भी कंपेरिजन करना है तो मोर रिएक्टिव कौन है, ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन आता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम। डियर स्टूडेंट इन दिस लिथियम एंड पोटेशियम ऑल आर मेटल्स, क्या है ये सभी मेटल्स, और आप जानते हैं मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव और ये कंडक्टर भी होती है, कैसी होती है कंडक्टिविटी शो करती है, मोर रिएक्टिव प्रवृत्ति की होती है। दैट मीन्स लिथियम इज वेरी सॉफ्ट, कैसे होते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ये वाला कैसा है सॉफ्ट नेचर का होता है, वेरी सॉफ्ट, सो इट इज वेरी रिएक्टिव एंड दैट इज पुट अप इन कैरोसिन ऑयल। किसमें रखा जाता है इसको, कैरोसिन ऑयल के अंदर पुटअप किया जाता है सोडियम को, बिकॉज इट इज वेरी मोर रिएक्टिव ऑन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये मोर रिएक्टिविटी शो करता है, और ये H2 अगर वाटर में इसको डाल दें तो ये क्या करता है, ये वाला फायर करता है, तो ये जलने लग जाता है सोडियम, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव प्रवृत्ति का होता है, वेरी रिएक्टिव, वेरी वेरी रिएक्टिव होता है, बहुत ही रिएक्टिव प्रवृत्ति होता है। आप पानी के ऊपर डालिए ये क्या करेगा, फायर लगा देगा। ये वाला जो अपने पास में पोटेशियम, ये भी वेरी रिएक्टिव प्रवृत्ति का होता है, सोडियम की तुलना में थोड़ी रिएक्टिविटी क्या होती है इसकी, कम होती है, लो होता है। इसको कहाँ करते हैं, इस वाले को किस में रखते हैं, इसको वाटर में रखा जाता है, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है मोर होती है, इसलिए कहाँ रखते इसको, इसको वाटर में रखा जाता है। ओके सो वी कैन सी अप टू डाउन, अगर अपन जाते हैं ग्रुप के अंदर, अगर बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकंड में अगर बात करें, दोनों के अंदर अगर बात करें अप टू जाने पर अपन देखते हैं एटम्स का क्या होता है, तो स्टूडेंट्स साइज बढ़ता है, क्या होता है साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अब उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना अगर ईजी हो गया स्टूडेंट्स, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, उनकी रिएक्टिविटी का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और रिएक्टिविटी का मान इंक्रीज होने का मतलब है ये वाला मेटल जो होती है ये काफ़ी रिएक्टिव प्रवृत्ति की होती है, कैसी होती है मोर रिएक्टिव नेचर शो करती है, कौन सी वाली सीजियम। अब डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, कौन से वाले मीडियम इसकी रिएक्शन करा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी। अगर पूरी आवर सारणी में देखें तो ये वाला अपने पास में है, ये वाला पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कौन से वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और इस वाले में अपन देखें तो यहाँ पर क्या अपने पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये वाले एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू किसके पी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में, कंपेयर टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव। ओके अदर वी सी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल आर क्या हैं मेटल्स हैं, कैसी हैं मेटल्स होती हैं, कैसी होती हैं मेटल्स, और मेटल्स जो होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं मोर रिएक्टिविटी शो कैसे करती हैं, रिएक्टिविटी शो करती हैं, रिएक्टिव प्रवृत्ति की होती है, भी कैसी होती हैं मोर रिएक्टिव प्रवृत्ति की होती हैं, कौन मेटल, जैसे कॉपर मेटल है, एलुमिनियम है, ये सब मेटल्स हैं, फेरस हैं, ये भी क्या होता है मेटल्स हैं, निकिल कॉपर जितने भी मेटल्स हैं ये सारी क्या होती हैं रिएक्टिव प्रवृत्ति शो करती हैं। मोस्टली अगर बात करें पी ब्लॉक डी ब्लॉक ये क्या होती हैं, एस और पी ब्लॉक की कंपेरिजन अगर बात करें तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं इसमें मेटल भी आती हैं, और क्या आता है
नॉन मेटल्स भी आती है, क्या आती है इसमें, नॉन मेटल्स भी आती है। जो मेटल होती है वो मोर रिएक्टिव होती है कंपेयर टू किसके, नॉन मेटल की तुलना में। और अपन ने देखा था पीरियोडिक आवर सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, राइट वाला जो पार्ट था और लेफ्ट वाले जो पार्ट थे, एक सीडी मैंने आपको बनाई थी इस टाइप से सीरीज, ये वाला जो पार्ट था ये राइट पार्ट, इस वाले में क्या है नॉन मेटल्स आती है, और इस वाले पार्ट में क्या थी वो सभी क्या थी मेटल्स आती है। कैसी आती है सभी मेटल्स आती है, कैसी होती हैं मेटल्स होती हैं। इसका मतलब है अगर आप फिर आयोडिक टेबल में अपन देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो मेटल होती हैं स्टूडेंट्स वो कैसी होती हैं, मोर रिएक्टिव होती हैं कंपेयर टू किसके, कंपेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की तुलना में मेटल्स क्या होती हैं, मोर रिएक्टिव होती हैं। और ये वाली कैसी होती है, तो ये प्रवृत्ति अपन यहाँ पर देखी, एस ग्लोब एलिमेंट होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू किसकी, पी ग्लोब एलिमेंट की तुलना में। और पी ग्लोब एलिमेंट में अगर बात करें पी और डी में, तो डी वाले एलिमेंट जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू किसके, पी ग्लोब एलिमेंट्स की तुलना में। और एफ ग्लोब एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, नहीं ये लेस रिएक्टिव नहीं होते, ये होते हैं रेडियो एक्टिव। कैसे होते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, तो वेरी रिएक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो रियल में कहें तो एस ग्लोब एलिमेंट की जो मेटल्स होती हैं वो सबसे अधिक रिएक्टिव है, और जो रेडियो एक्टिव ग्लोब एलिमेंट है एफ ग्लोब एलिमेंट्स ये सारे के सारे कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव प्रवृत्ति शो करते हैं, और रेडियो एक्टिव प्रवृत्ति वेरी रिएक्टिव नेचर की होते हैं। जैसे यूरेनियम वगैरह है, ये है नेप्चूनियम प्लूटोनियम जो होते हैं ये सारे के हैं, ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो होती है किस पर डिपेंड कर रही है, मेटल मेटालिक नेचर और नॉन मेटालिक नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। पीरियोडिक टेबल में देखें तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड जो ग्रुप होता है वो सबसे मोर रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में एस ग्लोब एलिमेंट्स आते हैं, इनकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम पाई जाती है, और अप टू डाउन जाने पर रिएक्टिविटी का मान क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ने के कारण डियर स्टूडेंट्स इनकी रिएक्टिविटी का मान क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, और साइज भी क्या जाता है डिक्रीज हो जाता है। ओके ये फैक्टर्स हैं ये केमिकल प्रॉपर्टी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ओके टूडे वी कंप्लीट द यूनिट नंबर थर्ड केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट, यूनिट नंबर थर्ड इज कंप्लीट बाई दिस टॉपिक। सो there will be different type of problems you can I give you in a, this like exercise you will be solve it, and there will becomes other problems you can share with me. So dear students, this unit is complete, and next we start next unit according to periodic table trends, that will be easy to becomes. So you can want to see complete this unit, so you can see previous videos one by one continue, and your notes will be also complete according to it. Complete your notes this unit, and there will be type of questions I will be give you in this next videos. Thank you so much.